सहयोगों का प्रेम इतना अगाध है कि शब्द सूझ नहीं रहे किस तरह से बात की जाए। आपको पता है कि संसार में हर जगह आज सहयोगी उत्क्रांति की ओर, इवोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। बहुत से सहयोगी बड़ी ऊंची दशा में चले गए, आनंद के स्रोत उनके अंदर बह रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल निमित्त मात्र होकर के ही संसार में एक विशेष रूप से कार्यान्वित है, लेकिन हर एक देश की एक अपनी अपनी मैं देखती हूं कि परिपाटी। मानव हर जगह एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं, और सहज योग एक अंतरतम की ही व्यवस्था है जिसका कि बाह्य से कोई संबंध है ही नहीं, तो भी चित्त जो कि प्रकृति का एक स्वरूप है जिसे हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर आप जिस जिस देश से गुजरे हैं, जिस जिस जन्मों से गुजरे हैं, जिस जिस प्रणालियों से गुजरे हैं, जिस व्यवस्थाओं में से आपका व्यवहार हुआ है, उस सभी का टेप रिकॉर्ड है। इसके कारण हर एक देश का मैं देखती हूं मानव थोड़ा थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात कि मानव जितना कुछ मिथ्या है उसे कितने जोर से पकड़ लेता है और सत्य को पकड़ने में कितना कचराता है, इतना धीरा होता है, इतने मुश्किल से अपनाता है सत्य को और असत्य को, बहुत बुरी तरह से अंदर में पकड़े रहता है। आश्चर्य इसीलिए होता है। पहले तो मैं सोचती थी कि मानव अपना नाम, अपना गांव, अपनी शिक्षा, अपना ओहदा, इन सब चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण समझता है, लेकिन अंतरतम में कितना गहरा उसका असर है उसको देखते ही बनता है। जितने जल्दी ये चीज अपने अंदर से छूट जाती है, जितने जल्दी मिथ्या हमारे अंदर से मिटता जाता है, उतने ही जल्दी हम लोग उस चित्त को हल्का कर लेते हैं। सहजयोग में यही चित्त जो है, ये चित्त परमेश्वर से जाके भिड़ता है, यही चित्त उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश में जाके डूब जाता है, यही मानव का चित्त जो कि हम प्रकृति का एक रूप समझते हैं, प्रकृति का जो ये फूल है वो परमात्मा के प्रेम सागर में विसर्जित हो जाता है। लेकिन ये चित्त कितना बोझिल है, कितना अव्यवस्थित है, कभी कभी देखते ही बनता है। सहजयोग की पहचान एक ही है कि आप कितने आनंद में उतरे, आप कितने शांति में उतरे, आप कितने प्रेम में उतरे। मिथ्या पे रहने वाले लोग सहजयोग को नहीं प्राप्त करते। हमारी मेहनत से क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा हमारे कुंडलिनी पर बिठा के आपको हम वहां छोड़ देंगे, लेकिन आप बार बार गिराते, उसका आनंद भी नहीं उठा पाते जहां आपको पहुंचाया। हर एक देश में एक अजीब अजीब तरह की समस्याएं हैं। अपने देश की समस्या है इसको पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी समस्या समझनी चाहिए अपने तक। दूसरे देशों की समस्या है उसे भी समझना चाहिए। जैसे कि अभी यूके में मैंने अपना कार्य बहुत धीमा शुरू किया है, बहुत थोड़े लोगों को हाथ में लिया,
दादा लोगों को लेना नहीं चाहती थी, सोचा पहले 25 आदमी ऐसे जमा दिए जाए जो कुछ सहयोग पे जम जाए। आपको आश्चर्य होगा कि बड़ी पहुंची हुई विभूतियां हैं, वो नितांत श्रद्धा है उनकी सहयोग पर। वो सोचते हैं कि सहयोग के बगैर कोई इलाज है ही नहीं। आखिरी दशा में पहुंचने पे सहयोग अत्यंत अप्रतिम है, डायनामिक चीज है। और वो कोई प्रोग्राम है सहयोग का तो उनके लिए उससे बढ़ के महत्वपूर्ण संसार में कोई चीज है ही नहीं। और घंटों तक वे उसी में लगे रहेंगे कि सहयोग में हमने अपने को, जैसे कि ये पता नहीं क्या परमात्मा की चीज आई हुई है जो दुनिया भर में देने की है। और वास्तविकता ये है ही, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इतनी बड़ी वास्तविकता समझने पर भी उनका एक बड़ा भारी, मैं दोष तो नहीं कहूंगी लेकिन पीछा हाट का कारण है। कारण वो भारतवर्ष की योग भूमि में पैदा नहीं हुआ। परमात्मा ने ऐसे सज्जनों को न जाने क्यों उस भोग भूमि में पैदा किया। इस योग भूमि आप लोग पैदा हुए हैं और वो पैदा हुए हैं उस भोग भूमि में जहां पर कि उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का संस्कार है ही नहीं। उनको यह भी पता नहीं है कि माथे में सिंदूर का लगाना है तो वो नाक में लगाना है कि सर पे लगाना। उनको पूजन की विधि मालूम नहीं, अर्चन की विधि मालूम नहीं, परमेश्वर के बारे में कुछ भी मालूम आता नहीं। उनको नीचे बैठना तक नहीं आता, कुछ भी वो नहीं जानते। इतने अनभिज्ञ हैं कि आरती बजाने पे ताली कैसे देना चाहिए वो भी नहीं समझते। और इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां, इतने आंतरिक हैं वो लोग, इतने प्रेममय हैं, इतना मेरे ऊपर उनको प्रेम है और इतना आदर है मेरे प्रति कि मैं आश्चर्य करती। मेरे सामने में कभी भी गुजरते वक्त सीधे नहीं गुजरते, झुक कर। इतना मेरे प्रति प्रेम उनको है कि संसार की कोई सी भी चीज मेरे आगे उनको तुच्छ लगती। इतना उनको मेरा महत्व है, उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से मेरे आदर को पूरा करें। इस पर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो इस चीज का इतना महत्व समझते हैं और अपने प्रति अत्यंत उदासीन है, अपने पीछे डंडा लेके लगे हुए। मैंने उनसे कहा कि आप अपने को जूते मार सकते हैं आपके ऊपर जो बाधा है उसके लिए। मैंने 108 का वो 3 बार 108 में मारते हैं, जहां चांस मिलता वो अपने को मारते रहते हैं। हमसे कह लगे कोई गालियां सिखाओ, हम अपने को देना चाहते हैं, ये हम ही खराब है। कोई इंडिविजुअली बात करते, कभी मैंने देखा नहीं किसी की शिकायत या किसी के बारे में कोई बात अपने ही को कहते और दूसरे के बारे में यही कहते हैं कि वो इतना बढ़िया आदमी कि हमें अपने पर लज्जा आती, वो कितना बढ़िया, हम तो अपने पर शर्मिंदा। उसके तरफ दृष्टि नहीं करते जिसको वो गलत सोचते, अपने ही को गलत सोचते पूरी समय। आपको आश्चर्य होगा कि अपने पीछे डंडा लेकर लगे हुए, यहां मैं देखती हूं उसके बिल्कुल उल्टी बात। सारी दृष्टि अपनी ओर लगाकर इतनी तपस्विता उन लोगों के अंदर में, और छोटे बच्चे जैसे मासूम बिल्कुल। मैं आने लगी तो ऐसे झरझर झरझर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। सहयोग उन पर डाला, सब कुछ कर लिया और उनके आंसू नहीं रुके। इतनी सहज सरल उनकी भावना है। अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल से 21 आदमियों से ज्यादा नहीं ऐसी मैं जोड़ पाई, लेकिन है ये बात। और जिसको कहते हैं जेन्युइननेस, असली खुद मैं जेन्युइन नहीं हूं ये वो समझते हैं। कहते हैं ये मेरे अंदर कोई आकर कह रहा है कि मैं जेन्युइन नहीं हूं, मैं नहीं हूं जेन्युइन। माता जी मेरे अंदर ये कपट है, मेरे अंदर ये झूठ है, मैं इस झूठ को लिए हुआ, मैं उस झूठ को लिए हूं। पूर्णतया दिल को खोल के कहते हैं और उनको कोई बात में शर्म नहीं आती। अपने को बुरा कहने में उनको जरा भी शर्म नहीं आती, लेकिन दूसरों को जजमेंट वो बिल्कुल नहीं करते। फिर ये भी बताते हैं कि हाँ मैंने ये गलत काम क्यों किया, इसकी वजह ये थी। अपना हिस्सा बताएंगे कि मेरे बाप ऐसे थे, एक बार ऐसा हुआ था, साइकोलॉजिकली ये बात है इसलिए मैं ऐसा करता हूं, मैंने ये बात ऐसी क्यों करी उसका कारण वो बताते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा करता। एक आध दो लोग ऐसे भी आए थे जिन पे बहुत बाधा, वो अपने दिन नहीं भूलते बिल्कुल।
और चुप रहते, कहते नहीं कुछ, कहते कि नहीं अभी हमें वो जो असर थे वो निकलने दो पूरे, हो सकता है अभी भी कहीं छिपे हुए असर हो। इतने मौन आत्मसात करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कमी है कि वो पूजन भी नहीं जानते, अर्चन भी नहीं जानते, विचारों को समझ नहीं आता। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ पैसा नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं लेती हूँ। एक दिन ऐसे मैंने कहा, मुझे ये डबल रोटी खाते थे वो, मैंने कहा ये मुझे बहुत पसंद आती, तो हर बार आएंगे तो एक एक डबल रोटी, मैंने कहा 20-21 डबल रोटी कौन खाने वाला है। मैंने ऐसे कह दिया था, कहने को ऐसे थोड़ी थी मैं रोज खाती, उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से समर्पण कर। सब बहुत पढ़े लिखे विद्वान, सब कुछ जानते, आपके सारे शास्त्र वास्त्र उन्होंने जितने अंग्रेजी में लिखे हैं सब पढ़ डाले, इसलिए सहज योग समझाना कोई मुश्किल नहीं। वो कहते हैं कि ये जड़ से सूक्ष्म में उतरने का तरीका सहज योग। उन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन लिखा अभी किताब का, पढ़ के दंग हो जाएंगे। सारे दुनिया के फिलोसोफर्स ला करके उन्होंने मां के चरणों में डाल दी। ये सब कुछ भी नहीं है, इन्होंने क्या, इन्होंने तो प्रश्न खड़े किए, मां ने उसका उत्तर दिया। अपने भाग्य को सहारते हैं और कहते हैं कि हमारे परम भाग्य जो हम पहले मां से, और कहते हैं कि इस धरती में इतने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, एक दिन सहज योग बहुत ऊंचे पद पे पहुंचने वाला है, इसमें कोई शंका, लेकिन आप हमारी नींव है। नींव के पत्थर कितने जबरदस्त होने चाहिए, पहली चीज हमें ध्यान में लाना चाहिए, क्या हम जेन्युइन हैं? अपनी ओर नजर करें, दूसरों की ओर नहीं, अपनी ओर नजर करें, क्या हम जेन्युइन हैं? देखिए उनको किसी मंत्र भी बोलना नहीं आता, उनसे श्री कृष्ण भी नहीं बोलना आता बेचारों, बहुत मुश्किल से राधा कृष्ण कहता। आपके लिए कितना सरल है कि आप अपने शुद्धि को साफ कर लें, राधा कृष्ण आपने कह दिया हो गया काम खत्म। अब वो राधा कृष्ण नहीं कह सकते बेचारे, तो कृष्ण जी जरा नाराज हो जाते हैं बात बात में, उनका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं, और आपसे आपको आसानी मिल जाते हैं। उनको कुंकू लगाना नहीं आता, उनको सिंदूर का मालूम नहीं, उनको फूल चढ़ाना नहीं आता, उनको गणेश जी बनाना नहीं आता, उनको स्वस्तिक बनाना नहीं आता, हर बार उल्टी बना देते हैं बेचारे, कभी उन्होंने जाना नहीं ये सब चीजें। लेकिन अत्यंत शरणागत होते हुए भी वो लोग उसे नहीं पाते जो तुम लोग पा चुके, तुमने बहुत पाया लेकिन उसका महत्व, अभी तक बहुत कम लोगों के आता समझ में। ये नहीं कि उनको सहज नहीं दिया है, ये नहीं कि उनको मुफ्त नहीं दिया है, उनको भी ऐसे ही पाया उन्होंने जैसे आपने पाया, लेकिन उनका मेरे प्रति जो प्रेम इतना नितांत, जैसे लगता है कि जन्म जन्मांतर का वो संबंध समझ गए हैं और तुम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। अपने ही में क्यों सीमित हो? सब तुम एक ही शरीर के रोम रोम होते हुए भी, एक ही शरीर में स्पंदन होते हुए भी अलग अलग महसूस करते हो, और वहां ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, टीम वर्क का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। आपस में एक वहां पर लड़का है जिसने स्मोकिंग शुरू की, सब लोग उसको फाड़ खा गए, उसको इस तरह से उन्होंने ठिकाना किया, उसका छूट गया स्मोकिंग, उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स ठीक किए, उसकी पूरी मदद की, जैसे वो स्मोकिंग करे उसको अपने पास बुलाए, उसके साथ बैठ जाए, उसके घर में जाकर उसके यहां पे सिगरेट उगरेट सब निकाल दिए, उसके पैसे ले जाकर छिपा दिए। सिगरेट की स्मोकिंग नहीं थी उसकी, वो दूसरी क्या होती उसकी तबियत, और कहने लगे कि अब अगर तुमने और किया तो हम पुलिस में इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा वो लड़का इसको बुरा नहीं मानता, वो कहता कि हाँ भाई तुम कर दो कुछ इसका इलाज, वो लड़का खुद कहता है, और भागता है उस चीज से दूर, उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि भाई मुझे बचाओ,
इस वक्त वो मुझे आ रही है इच्छा, किसी तरह से मुझे बचा लो, इस वक्त तुम लोग बचा लो। अपने को करेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत वो कर रहा है। यहां तो आपका समाज ही करेक्टेड है, कितने आपको आपको पता नहीं कि आप कितने स्वर्ग भूमि में रहे, जहां पर मां बहन का पता नहीं, इतनी वहां की गंदगी है उस देश में, जहां पर घर घर में शराब चलती, इतने गंदे आपस में संबंध है, किसी का घर का ठिकाना नहीं, मां का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं। उसे पूछे भाई तुम्हारी मां कहां है, तो कहते पता नहीं कहां चली गई, उसे किससे शादी कर, चरित्रहीन, मूलाधार चक्र सबका चौपट। ऐसे देश में पैदा होकर के भी गणेश को लेकर के आए, मां गणेश दो हमको, गणेश के सामने सर पटक 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 के, कान पकड़ पकड़ के, पश्चाताप की पूरे धुन में लगे, और उसमें एक वीरता बनी। इतना बड़ा उनके अंदर जागरण अपने प्रति और दूसरों के प्रति, और सहज योग के ऐसे ऐसे अनुभव, और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई। आपके पास एक चिट्ठी मैंने भेजी थी, वो उन सब लोगों ने मिलकर के उसका पता लगाया, मेरे भी असलियत का पता उन लोगों ने लगाया। अभी तक आपकी नहीं नजर में आई बात, उनकी आ गई, वो समझ गई यही बात है, यही ये चीज है, कहने को महामाया, अंदर बात ये। उन्होंने इतना आनंद नहीं पाया, लेकिन सर्वस्व लगा करके वो लोग लगे हुए हैं, वो समझ गए हैं कि उत्क्रांति का वो समय आ गया है कि सत्युग दरवाजे पर। और वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर सत्ययुग का दरवाजा नहीं खुला तो बिल्कुल दूसरा संहार का दरवाजा खुलने वाला है, और सबको जिम्मेदारी है इस चीज की, इसकी जिम्मेदारी वो सोचते हैं कि हमें ये करने का है, वो जिम्मेदार है सहयोग के लिए। मजाल नहीं कोई सहयोग के विरोध में एक अक्षर बोले, आपस में बोलने का तो सवाल ही नहीं, पर कोई बोलता है तो फौरन उसी को मार छाड़ के रख देते हैं। उनसे अगर मैं कहूं 24 घंटा तुम बगैर खाना खाने बैठे रहो, बैठे रहे, लेकिन इसका यह अर्थ है कि आप लोग कुछ कम, आप लोगों ने, आप में से किसी किसी ने जो हाइट्स साधी है, जिस हाइट्स पे पहुंच गए हैं, जिस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, तो कमाल, लेकिन सबको अपने अपने लिए बड़ा घमंड है, ये बड़ा प्रॉब्लम। चित्त को एकाग्र करना भी एक अर्थ रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां देखो वहां देखो, एकाग्र तभी होता है चित्त जब उसके ऊपर का सारा मैल चल जाता, जब वो हल्का हो जाता। अब अपने देश के जो कर्सेस हैं, या अपने देश की जो एक समझ लीजिए एक बड़ा भारी शाप है हमारे देश पर, वो यह है कि हम लोगों के चित्त पर एक बड़ी भारी अजीब सी चीज है, जिसको कि मैं कहती हूं कि सिन अगेंस्ट द फादर, अपने बाप प्रभु परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किया है। वो कौन सा पाप है कि हर समय सोचना कि हम दरिद्री है, हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा कैसा होगा, हमारे पेट का कैसा होगा, बिल्कुल भिखारीपना की बात है, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। अगर आपका परमात्मा पर विश्वास है तो कम से कम इतना तो उस पर छोड़ दो कि वो तुमको खाना पीना तो देगा नहीं, तो ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने से फायदा भी क्या है। ये बड़ा भारी हम लोग पाप करते, परमात्मा पर खाना पीना और ये व्यवस्था अगर हम छोड़ दें
तो हिंदुस्तानी आदमी बहुत ऊंचा उठ सकता है। दो तरह के पाप हैं, एक तो पाप यह है कि बाप के पितृत्व पे शंका करना, और दूसरा मैं कहती हूं कि सिन अगेंस्ट द मदर, वो वहां पर हो रहा जिसमें चारित्रिक दोष, इंडलजेंसेस, भोग, घर गृहस्थी का तोड़ देना, बेछूट हो जाना, तो वहां दोष हो। दोनों नर्क के रास्ते सीधे जाने की व्यवस्था है। पैसे के लिए कुछ भी करो, पैसे के लिए जो चाहे सो गलत काम करो, वो ठीक है, ये हिंदुस्तानियों का पाप। मैं सरकारी बात नहीं कर रही हूं, मैं परमात्मा की बात करूं, परमात्मा के राज्य की बात करूं। जब आप परमात्मा के राज्य में हैं, तो देगा नहीं तो नहीं देगा। इतनी कम से कम रुपी ले आने में क्या लगता है, करेगा नहीं तो नहीं करेगा। जैसे राखहु तैसे ही रहूं, सहज योगी कर इतना एक कर ले कि जैसे राखहु तैसे ही रहूं, जैसे भी रखो मंजूर है तुमको, देख लेते तुम कैसे रखते और हम कैसे रखते। हर एक चीज का एक मजाक हो सकता, हर एक चीज में एक आनंद आ सकता। कैसे रखोगे, भूखे रखोगे, अच्छा देख लेते कितने दिन भूखे रखते हो। जैसे राखहु तैसे ही रहूं, चाहे पैदल चलाओ तो पैदल चलेंगे, चाहे घोड़े पे बिठाओ तो घोड़े पे चलेंगे। ऐसे मस्ती में जब आप आ जाएगा, बाकी तो आपका भगवान की कृपा से ऐसी योग भूमि में आप पैदा हुए हैं कि बाकी का हिस्सा ठीक है। आपके माँ बाप ठिकाने से हैं, आपके बीवी बच्चे ठिकाने से, आपका चरित्र भी इतना गड़बड़ छड़बड़ नहीं है। कुछ लोगों का वो भी गड़बड़ है लेकिन इतना गड़बड़ नहीं, ठीक हो सकता वो। वहां पर इतना ज्यादा दूसरा वाला पाप है कि सबकी आंख यू 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 औरतें आदमियों को चलती रहती है, हर समय मैंने बाधा उनके अंदर, एक के से एक दूसरे की बाधा जा रही। एक औरत आई उसको देखा, औरत ने आदमी को देखा, यही चलते रहता वहां पर, चक्कर ही ऐसा। कम से कम माता जी ये तो यहां सबके बाधा बुझ जाती आंख में, करे क्या आंख को। मैंने कहा आंख जरा नीचे रखो। लक्ष्मण जी कैसे, सीताजी के सिर्फ पैर देखे नीचा, धीरे धीरे अपने आप वो बाधाएं छूट जाएंगी। जब आप ऐसे धंधे नहीं करेगा तो वहां रहने का उसको काम क्या बाधा का। अपने आप जो अंदर में भूत आपके अंदर में घूम रहा है, भूत आपके अंदर में काम कर रहा है, वो अपने आप ही वहां से भाग जाएगा। अगर आप इधर उधर आंख नहीं घुमाइएगा तो एकदम से वो भूत भाग जाएंगे, और जब तक आप अपनी आंख घुमाते रहिएगा वो भूत वहां बैठे रहेंगे। फौरन आंखें सब पीए, रास्ते में चलते हैं आंख मुंह करके चलते, ये साधु ना माने, कह दिया मान लिया, ये बच्चों के लक्षण। आपके भले के लिए है, आपके कल्याणी के लिए है। आपको भी समझना है कि सहयोग में हमने जितना पाना है वो पाने का ही है, इसी जन्म में हमको पाने का है, किसी और को नहीं, हमको पाने, हमको लेने का, दूसरों को नहीं। दूसरों की चिंता छोड़ो, अपनी सोचो कि हमने कितना पाया, हम इसके कितने गहराई में उतरे, हमने क्या पाया, हम अपने साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, हम क्यों ढोंग कर रहे हैं अपने साथ, हम क्यों अपने को ठगा रहे हैं, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, हम अपने साथ क्यों आए थे, व्याप्ति कर रहे हैं, हमने क्या पा लिया। अरे सारा भंडार खोल दिया, आ जाओ अंदर, जैसे भी हो आ जाओ, हम नहला धुला के तुमको बिठा देंगे। फिर सोच क्या, इतने गहरे उतरे हम गंगा की शीतल धारा में, कितने अंदर बहते गए हम, वो तो बह रही पूरी तरह से कि लो बेटे लो लो जो लेना ले, कितनी घाघर हमने भर ली, चित्त हमारा इधर उधर दौड़ रहा है। अपनी और दृष्टि करते ही तुम समझ जाओगे कि तुमने ही अपने साथ छलना करी, किसी और ने की नहीं। ये बड़ा भारी अंतर है सहज योग के लिए नुकसान का भी। अपनी और दृष्टि न रखना ये सहज योग के लिए बहुत बड़ी नुकसान की चीज है, और अपने और उसी मनुष्य की दृष्टि होती है स्वभावता ही, जो जन्म जन्मांतर से खोज रहा, वो जानता है कि मेरी गलतियों की वजह से मैं नहीं पाया था, मैं और गलती नहीं करूंगा। जैसे कि कुंद घर के अंदर में आप बंद हैं और निकलने का रास्ता नहीं,
इसने 10 जगह दरवाजे पर ठोका मारा है, जिसका सर फूटा है 10 जगह, वो फिर सोचता है नहीं, रास्ते की ओर नजर रखो, दरवाजे की ओर नजर रखो। सतगुरु से मार खाने से वो दरवाजे की ओर, वो कुछ और नहीं जानता है, सिर्फ ये जानता है मैंने पाया ना, मैंने देखा है ना, मुझे मालूम है वाइब्रेशन आ रहे हैं मेरे अंदर से, संस्कार मेरा छिड़ा है, मैंने जाना है, होता है ये सही बात, बस उसी बात को पकड़े हुए हैं, उसी दरवाजे को पकड़े हैं। फिर माँ अगर कह दे कुछ भी तो ये नहीं कि मैं ये नहीं मानता वो नहीं मानता, जो भी कह रही है हर एक बात सही है। और जैसे ही वो कहते हैं सारा की सारा ऊंचे आगे ज्ञान आते जाते, आप लोगों की बैठक बढ़नी चाहिए, बैठक जमनी चाहिए, उनसे तो बैठक शब्द ही मैं कह सकती कि बैठक जमाओ, बेचारे बैठक शब्द भी नहीं जानते, अंग्रेजी भाषा ऐसी ही क्या काम की है, उनका कोई ऐसा संस्कृति नहीं है, उनकी ऐसी कल्चर ही नहीं है, ऐसी वहां बातें नहीं है, कितने अभागी लोग, और बड़े बड़े साधु सब, आप लोग कितने सौभाग्य, आप ही के देश में मेरा जन्म हुआ है, इसी योग भूमि में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आपने क्या पाया है ये देखिए, दूसरों ने क्या पाया, दूसरों ने क्या किया, दूसरों ने क्या कहा, दूसरे कहां ये वगैरह से मतलब नहीं, आपने क्या पाया, जैसे ही आपने पा लिया आप निमित्त हो जाएंगे परमात्मा के, आप हैं क्या, आप तो उसके अंदर एक निमित्त मात्र है ना। 1000 आदमी मुझे चाहिए, मैंने 100 मर्तबा कहा है, जो इस सहस्त्रार पर बैठ जाए, 1000 घोड़े पर बिठाने वाले 1000 आदमी ऐसे चाहिए कि जो बिल्कुल न पकड़े, क्या मुश्किल हो ना, जो निर्लेप, अगर आप सहयोग के लिए कुछ कर रहे हैं तो अपने ही लिए तो कर रहे हैं, ऐसा तो हो कोई आदमी कहे कि भाई मैं गया मैंने जाकर के बाजार में इतना आपके लिए सोना खरीदा, इतनी मैंने चीजें खरीदी, मैंने इतनी मेहनत, आपने इतनी जो भी मेहनत करी, जो भी आपने किया अपने लिए तो किया है, किसी और के लिए नहीं, आपने देखा है ना कि सब कुछ जो भी कुछ आपने किया है उसका लाभ अपने ही को, बहुत से लोग हो गए संसार में आज तक, उन्होंने पाया, एक आध दो एक युग में हुए, बहुत थोड़े आप जानते हैं लोग आपसे मिले हैं, कितने लोग रियलाइज हैं संसार में, बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे, और आजकल तो कलयुग का बिल्कुल घोर निनाद चल रहा है, इस वक्त तो पशु ही अधिकतर है, बिना पुच्छ के पशु बहुत सारे हैं, पर इसी कलयुग में इसी कीचड़ में ही एक विशेष रूप से कार्य होने वाला है, ये आप जानते हैं, हो ना, ऐसे समय आपको चाहिए कि आप जितना ले सके उतना ले, नहीं तो ये जो उत्क्रांति का प्रोसेस है, इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसमें से आप फेंक दिए जाएंगे, वो समय दूर नहीं, मैंने 79 बता दिया कि 79 तक ही ये कार्य होगा, उससे आगे 99 ईयर तक सत्युग पूरा मैच्योर हो जाएगा, हाँ आप लोग की अकल पे है नहीं तो कलयुग भी आप ही के बदौलत पनपेगा, आप लोग अगर इसको नहीं चलाना चाहेंगे तो जो विध्वंस विनाश होगा उसका बोझा आपके सर पे, मराठी में कहना क्या सा खापर तुमचा डोका, अपने अकल को ऐसा लगाइए, अपनी बुद्धि को सुबुद्धि में लाइए और सोचिए कि हमने गंगा जी से क्या लिया, क्या पाया, क्या पाने का है, आपने बहुत आनंद पाया है, उस आनंद का एक क्षण जो भी पाया है उसको याद करते रहना चाहिए,
और आपको अपने मन से कहना चाहिए कि उसी क्षण में हमेशा रहना है मुझे, चिपक जाएंगे आप वहां पर। और जो भी इधर उधर के फालतू के विचार आ रहे हैं उसको बंद करिए। किसी भी उम्र के आदमी को ये मना नहीं, किसी भी वर्ण के आदमी के लिए ये मना नहीं है, किसी भी व्यवस्था के आदमी के लिए मना नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग अपने हाथ से अपने पैर काट रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। क्या कहूं, मेरे समझ में नहीं आता, क्या बेवकूफ की बातें कर रहे हैं। अरे तुम अलग हो कहा, मैं यहां पर जरा सी उंगली घुमाती हूं तो सबके सहस्त्रार चलते हैं। जरा सा पांव झनकाती हूं तो सबके सहस्त्रार में झनकार आते हैं। तुम लोग अलग कहां हो जो अलग अलग चल रहे हो, क्या तुम समझते नहीं हो? तुम अलग हो ही नहीं सकते हो। ये तो ऐसा हुआ कि एक हाथ आप तोड़ के उधर ले जाओ और वो हाथ कहे कि हाँ भाई मैं इस हाथ को अलग करके और मैं बड़ा भारी कार्य करूंगा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस पूरे शरीर के साथ चिपकने में, तो मैं अलग हो जाऊंगा। इसी तरह की ये बात होती है। अपनी अगर मृत्यु चाहिए हो तो मनुष्य ऐसा ही मूर्खता से काम करता है। लेकिन जिस आदमी को ये समझ में आ गया कि एक सामूहिक व्यक्तित्व के, कलेक्टिव पर्सनालिटी के आप एक अंश हैं, उसी क्षण सारा काम ठीक हो सकता। आप हैं, आप जानते हैं आप हैं, आप जानते हैं आप हैं उसके। सारे सहयोगी जानते हैं, कोई इंग्लैंड से चला है, कोई अमेरिका से चला है, कोई हिंदुस्तान से चला है, जब बात करेगा तो यही कि राज्या पकड़ रहा है, कि हृदय पकड़ रहा है, कि फलाना पकड़ रहा है, सब कोई जानते हैं ये बात। ये तो कोई भी नहीं और जानते लोग, उनको ये भाषा ही नहीं मालूम। नई भाषा आप लोगों ने सोचा कभी? फौरन आपको पता हो जाता है किसका क्या पकड़ रहा है, कौन कहां कितने गहरे पानी में कहां चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फर्क इतना ही है कि अपने और दृष्टि कम होने की वजह से अपने में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा, दूसरे का दिखाई दे रहा है। ये तो ऐसा ही कि ये अगर हाथ सड़ रहा है और ये हाथ इस हाथ का नहीं सोच रहा है। तो यह हाथ तो सड़ जाएगा ही और इस हाथ को क्या फायदा होने वाला। किसी को भी नीचे गिरना नहीं है, खुद भी, और दूसरा भी नहीं गिरना चाहिए, लेकिन आप खुद मत गिरिए, पहली चीज ये। अव्याहत चल रहा है ये सारा काम, सारे चारों तरफ छाया हुआ है, जिसको कि हम अनकॉन्शियस कहते हैं, जिसको कि प्रणव कहा जाता है, जिसको कि मैं डिवाइन लव कहती हूं। चारों तरफ आपकी मदद के लिए मंडरा रहा है आपके चारों तरफ। इस वक्त में भैरवनाथ जी यहां बैठे हुए हैं, यहां पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, आपके साथ हजारों आदमी लगे हुए हैं, यहां पर आप पे मेहनत कर रहे हैं। जिस अनुभव को आपने पाया है संसार में किसने पाया था आज तक बताइए? बड़े बड़े साधु सन्यासी हो गए, बड़े बड़े हो गए होंगे, किसी ने भी सामूहिक चेतना पर इतना क्लियरली जाना जितना तुम लोग जानते हो? इतनी किताबें पढ़ डालो और वो मुझसे पूछते हैं साधु सन्यासी, बड़े बड़े साधु, उसमें से किसी ने जन्म लिया किसी ने नहीं लिया, कि इनको किस सिलसिले में आपने दिया है इन लोगों को? बहुत बड़ी चीज है, मैंने अपने सहस्त्रार से तुमको जन्म दिया है। उन लोगों को नहीं दिया था, उनके ऊपर उतर के दिया था, तुमको मैंने अपने हृदय में स्थान देके सहस्त्रार से तुमको जन्म दिया। कितनी बड़ी तुम्हारी स्थिति, ऐसा तो श्री गणेश को भी जन्म नहीं दिया था जैसा तुमको दिया। तो विशेष वस्तु है ना, अत्यंत प्रेम से प्लावित करके दिया हुआ। अपने से ही प्रेम करो, जब अपने से प्रेम होगा तभी अपना दोष झटक दोगे। जब आपको साड़ी से प्रेम होता है तो आप इस साड़ी में लगे हुए कोई सा भी
बोझ को निकाल देते। जब देखते हैं कि साड़ी में एक छेद हो गया है तो आप उसको ठीक। आपको जिस चीज से प्रेम होता है उसको आप ठीक कर। और जिस चीज से आपको प्रेम नहीं होता उसको आप छोड़ दें। हमने आपसे इतना प्रेम किया, आपने अपने से कब प्रेम किया? अपने प्रति प्रेम रखो। जिस दिन ये लहर एक तार हो जाएगी, एक इसमें हम लोग आ जाएंगे, वो दिन की मैं राह देख रही हूं। अब आप लोगों को इसमें शक नहीं रहा कुछ, क्योंकि वाइब्रेशन आपने जाने हैं। इसमें तो किसी को शक नहीं है, कुणाला शंका नहीं है। बापी आए खरत है, माता जी म्हणतात ते सगळं खरं आहे। हातात आमच्या येतातच व्हायब्रेशन, माहितीच आहे आम्हाला, आहे ते खरं, त्याच्यात काही खोटं नाही बोलल्यात, साक्षात झाला आम्हाला तो। पण प्रगतीच्या नावानी काय अजून जोर बांधलेला नाही। तसे म्हणता येत नाही, काही मंडळी फार वळली, कुछ कुछ लोग बहुत पहुंच गए और सब उन्मुख है। उनकी ओर देखिए, जो ऊपर उठ गए नजर करें उनकी ओर और उधर बढ़े, खट से ऊपर खींच लिए जाए। जैसे मछलियों को एक ही तार में बांध के खींचा जाता है उस तरह से खींच लेंगे। लेकिन पहले उस जाल में फंसे रहो प्रेम के, मां के प्रेम के जाल से नहीं निकलना। अपने अपनी अकल मत लगाओ, तुम लोग की अकल में जानती हूं कहां तक चलने वाली हो। तुम लोग को मालूम था क्या कुंडलिनी कहाँ है क्या है? कुछ नहीं मालूम था ना। अभी तुम लोग कुछ बुजुर्ग हो, बड़े हो, उम्र में बड़े हो गए मेरे से, लेकिन मैं तो हजारों साल की पुरानी हूं, मेरे से कैसे बड़े हो सकते? मेरे तो बेटे ही हो ना, मेरे तो बच्चे ही हो। मैं चाहती हूं कि इस आनंद के सागर में खुद तो लुट ही जाओ और सारे संसार की व्यवस्था करो। थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने को पकड़ने की जरूरत है। अभी नैया पार होती, थोड़ी सी डगर डगर चल रही है, आगे जाती पीछे जाती, अभी भी सहज हो कि नैया, मैं नहीं कहती कि किनारे पहुंच गई। अभी खींच रहे हो आप लोगों के थ्रू, आप ही लोग उधर उधर खींचते हैं, कभी कभी कुछ उधर खींच रहे कुछ इधर खींच रहे। नाव को किनारे पे लाना है, पर ग्रुपबाजी करना नहीं है। ये आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है, उसमें ऐसी जाती हो गई, उसमें ये गड़बड़ हो गया, उसमें ये हो गया, मेरे को कोई भी शिकायत नहीं बताएगा। मैं सबको अंदर बाहर से जानती हूं, मैं किसी की भी शिकायत नहीं सुनने वाली। तुम कहां थे और कहां से कहां गए, बस ये देखते रहो, और कहां से कहां जाने का बस देखते रहो। आप जब कहीं रास्ते पे चल रहे हैं तो आप क्या ये करते रहते हैं क्या? आप कहते हैं कब वहां पहुंचूंगा, कब वहां पहुंचूंगा, कब वहां पहुंचूंगा। जो हमें सता रहा है उसको पहले उधर छुट्टी करके आओ, उसको बाहर, फिर देखो आप अपने अंदर होते। सब छोड़ो, पिछला हर एक क्षण पीछे छोड़ दो, एक क्षण में खड़े हो जाओ अंदर घुसने की बात। हम बैठे हुए हैं यहां पर ढकेलने के लिए सबको, पर आप सबके साथ मेरे खोपड़ी पे मत गिर जाना। दो चार गिरेंगे तो ठीक है, काहे का वाद विवाद सहयोग में हो सकता है। अरे भाई, अगर तुम्हारा आज्ञा पकड़ा है तो पकड़ा है, हृदय पकड़ा है तो पकड़ा है, उसमें वाद विवाद से नहीं, वो छूटना ही पड़ेगा। बुरा मानने की कौन सी बात है, जब पकड़ा है तो पकड़ा है, छुड़वाना है तो छुड़वाना है। अभी अपने अगर कैंसर हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोले कैंसर हो गया, तो क्या उसको आप मारने के दौड़ते? तुमने कहा कैंसर हो गया, भाई हो गया, बोले भैया कैंसर हो गया, मुझे ठीक कर दो। उसी प्रकार आप अगर आज्ञा पकड़ा है तो आप क्या कहेंगे कि मां नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कैसे पकड़ा मेरा आज्ञा नहीं हो? अरे भाई है तो है, तो छुड़वाना। संस्कार पे चक्कर है, कैसे चक्कर है, उसको तो छुड़वाना। जो भी बुरी चीज है उसको निकालना है, काम खत्म। एक सीधी सादी बात नहीं समझ में आती क्या? इसमें वाद विवाद क्या है, इसमें कहना सुनना क्या है? कुछ कहने सुनने से किसी का आज्ञा चक्र छूटता हो तो छुड़वा लो, वाद विवाद से किसी का छूटता तो छुड़वा लो। बातचीत से थोड़ी होने वाला है ये, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, ये प्रेम का चक्कर है, उससे होता है। आप लोग पार हुए हैं, वो कोई तुम्हारे वाद विवाद से पार हुए हैं क्या, या तुम्हारे पंडिताई से, तुम्हारे किताबों से पार हुए हैं?
पार कैसे हो गया? एक चमत्कार घटित हुआ है, खट से यूं करके पार हो। गगनगढ़ महाराज कहते थे ना, माता जी ये कैसे, क्या समझ में नहीं आता है कि आप आए और सबकी कुंडलियां खड़ी हो गई? ये तो समझ ही नहीं आ रहा, एक को भी उन्होंने आज तक पार नहीं किया। गगनगढ़ महाराज उनसे जान देने के लिए हजारों आदमी तैयार। उसके अनुभव अगर आप सुनिएगा तो आप कहेंगे कि माँ ये क्या लोग, ऐसे जबरदस्त लोग आ रहे हैं। अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लगाया, झूम गए उसमें। मैंने कहा तुम लोग को कैसे समझ में आ रहा? कहने वाह ये तो संगीत स्वर्ग का संगीत हो रहा है। अभी हमारा एक शिष्य आया था, आप लोग मिले थे उसे, कितना विद्वान है। उसकी बातें आप सुनिए, उसकी अभी एक चिट्ठी आई है। वो मुझे कब मिला? ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन मिला होगा। लेकिन उसको देखो, अब नेपाल में गया है, यूनाइटेड नेशंस में बड़ा भारी अफसर हो गया है, बहुत पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, सब बड़े पढ़े लिखे विद्वान है। लेकिन वो ये जानते हैं कि इस विद्वत्ता में कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे अनुभव है। वहां के बच्चों को देखिए, अपने यहां मोरेश्वर है, देखो कितना बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है मोरेश्वर। उनको कुछ कुंडलिनी का नोहाओ की जरूरत नहीं, आप उनको कुछ कहिए नहीं, वो अपने आप से करते रहते। वो जो लड़का था 8 साल का, उसे थोड़ी देर बाद में अपनी बंदूक शुरू कर दी, जो भी बैठा था जिसपे बाधा उस पर जाकर छू उसका मारना शुरू कर, उसको डराना शुरू कर दी, सिंदूर लेकर के सब उसके मुंह पे मखना शुरू कर दी। दो चार आए थे ऐसे बुद्धू वहां बातें करने के लिए, अपनी शो ऑफ करने को, ऐसा उनका ठिकाना किया जिसकी कोई हद नहीं। कुछ आए थे अपनी शानपन दिखाने के लिए अपना, वहां पर उनको ऐसा ठिकाने लगा दिया बंदूक से कि बस उसने अपने दोनों पैर उनके ऊपर लगाए, ठक 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 मारना शुरू कर दिया। ये भी एक बड़ी भारी खुशखबरी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब कुंडलिनी फुंडलिनी सब जानते हैं वो लोग। एक लड़का था, दूसरा सामने बैठा था, उसकी शुद्धि जरा पकड़ी हुई थी, जा करके जिसको मराठी में मानगुण कर ली, जाके जो उसको पकड़ा और ला के मेरे पैर के अंदर में घुसे डा। मैंने कहा ये क्या किचिंद, दो चार झापड़ मारे उसके पीठ पर जाकर और उसके शुद्धि किताब जानी। कुछ उनको बताने की जरूरत नहीं, कुंडलिनी क्या होती क्या नहीं होती है, उनको कोई वाद विवाद बातचीत करने की जरूरत नहीं, वो ठिकाने लगा देंगे सबको। एक आए थे बुड्ढे से, वो जरा सब कुछ कहने लगे कि ये कैसे हुआ क्या हुआ। नीचे गया, दो चार नींबू लेके आया, उसको सड़ा सड़ मारना शुरू किया, उसको छोड़ा ही नहीं उसने। पूरी समय मैंने देखा उसका कार्य चल रहा था, एक मिनट भी वो शांत नहीं था। सब लोग ध्यान में बैठे तो अंधेरे में इधर उधर 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 वो चला, सबके सबकी कुंडलिनी छुरा, कहीं कुछ छुरा, देखती हूँ किसी के कान पकड़ रहा है, किसी के कान खींच रहा है, किसी के नाक खींच रहा है, हर सबको उसे ठीक कर दिया। ये बच्चे नहीं मानने वाले, और उनके माँ बाप खुद गलत हैं, माँ बाप गलती करते हैं, पर वो बच्चे हैं अपने बैठे हुए अपनी जगह। एक वो 12 साल का बोलता है, मदर दे आर ऑल जूज दे आर ऑल क्रिश्चियंस, मैंने क्रिश्चियंस मतलब क्राइस्ट के जो फॉलोअर्स थे, तो जूज ने उनको अपोज किया था, वी आर लाइक क्रिश्चियंस एंड दे आर ऑल जूज, जो कि तुमको अपोजिशन करें, दे कैन नेवर रिकोगनाइज यू, दे कैन नॉट रिकोगनाइज, आई सी डू यू रिकोगनाइज मी, यस वी कैन, देन हु आर यू। फौरन हाथ ऐसे बंद कर लिए और देखने लगे, एकदम निर्विचार, एकदम ध्यान, आंख बंद कर, कुछ बोले। ऐसे 200 बच्चे अपने यहां, ऐसे बच्चे भी खराब हो जाएंगे क्योंकि हम लोग आधे अधूरे हैं। ऐसे पहुंचे बच्चे हिंदुस्तान में भी बहुत, वो भी सत्यानाश जाएंगे क्योंकि जबरदस्त माँ बाप उनको भी ठिकाने लगाएंगे, उनके भी मन में द्वेष भावना, उनके भी मन में गंदी बातें सिखाएंगे, पूरी समय सुन सुन के और बच्चे भी खराब हो जाएंगे। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं, वो ऐसे जबरदस्त बच्चे हैं तो अपने माँ बाप से भी भेड़ लेते हैं इस बात पे, वो सब बच्चे तैयार हो रहे हैं, 10 साल के अंदर वो बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। और आपके भी घर में ऐसे बच्चे आएंगे, और हैं भी ऐसे बच्चे बहुत से जो अपनी सत्ता पे खड़े,
जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएंगे अपनी सत्ता पे खड़े हो जाएंगे, उनको सहयोग सिखाने की जरूरत है, सीखे सिखाए पुराने हैं मेरे अपने सवाल। लेकिन फिर यही कहूंगी कि आप लोग नील के पत्थर हैं बंबई वाले। सबका कहना यह है कि सहयोग में बड़े धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं, उसका कारण आप लोगों को लोग देखते हैं और सोचते हैं कि यह सहयोगी भगवान बचाए, हमको नहीं चाहिए ऐसा सहयोग। आप ही लोगों को देख करके सहयोग बढ़ने वाला है। बहुत बार लोग कहते थे कि इनके पीछे मैं सहयोगी एक संस्था लगा दू, सहयोगी हमके या सहयोगी तमके, मतलब अरे ऐसे नहीं करो, ये तो फिर चिपक जाएगा, किसी को ऐसा लगा नहीं सकते। पहले क्यों? मैंने कहा ये ऐसा है कि आज एमए है तो कल बिल्कुल गधे, आज आकाश में कल एकदम पाताल में, इसमें आप किसी को डिग्री नहीं दे सकते, आपने डिग्री दी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा झगड़ा। तो अब हम आ गए, अब बताइए क्या क्या आपने सोचा है, क्या क्या कर लिया, आज जाके घर पे सोचना। महीने भर की छुट्टी देके जा रहे हैं, अभी दो तीन दिन तो प्रोग्राम है ही, देखते हैं उसमें क्या क्या आप लोग करामात करते हैं। लगाओ अपना अच्छा मेडिटेशन में बैठो तीन दिन, मेडिटेशन में जाकर के ये कहो कि कौन कौन लोग ध्यान में क्या करेंगे, कौन कौन लोग ध्यान में आएंगे, चित्त लगाओ। आपने जितने पहचान के लोग उन पे चित्त लगाओ, आपके चित्त पे ही सारी शक्ति है, उसी चित्त को लगाओ कि ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, लगाओ चित्त, इसको भी आना चाहिए उसको, सबको बंधन दो, आज घर पे जाके बंधन दो सब, इसको भी आना चाहिए उसको भी आना चाहिए, और आप खुद उपस्थित होकर सबको बंधन, परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर ऊपर आएगा। किसी और इंसान से आप आइडेंटिफिकेशन अपना मत करो कि ये फलाने हैं, ये जगह रहते हैं, वो मेरे अपने हैं, वो अपने मेरे हैं, उनके साथ ये जाति हो गई, ये नहीं। मैं सहयोग के लिए क्या कर सकता, क्या कर सकता, फलाने आने चाहिए, दिखाने आने चाहिए, उधर के आने चाहिए, लगा चित्त लगा, आपके चित्त पे शक्ति बैठी, चित्त पे शक्ति बैठी हुई है, उसको अगर गलत जगह लगा जाओगे तो सो जाएगी, सहयोग में लगाओगे तो चमक जाएगी। इसको हमने ठीक किया था, उसको हमने ठीक किया था, उसकी बीमारी ठीक की थी, उससे मिले थे, उससे बातचीत की थी, आज बैठ करके सब पे चित्त लगाओ। अब उससे सहयोग के सिवा और कोई बात नहीं करने, मैं और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, बहुत हो गया, मेरी बीवी भाग गई, मेरा पति भाग गया, मेरे बच्चे का ठिकाना हो गया, मेरे ये मैं सहयोग से सुनने वाली नहीं हूं, उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने मेरे को डांटा, उसने मेरे को मारा, मैं किसी से सुनने वाली नहीं, और जिनको ये बातें करने की है वो अब छुट्टी करे सहयोग। जिसको आनंद लेना है वो यहां है, प्रेम लेना है वो यहां है, सारे संसार का सुख जिसे लेना है वो यहां है, सारी संपदा जितनी भी संसार में परमात्मा ने तुम्हारे लिए उंडेली हुई है वो लेना है तो यहां, और आप लोग ही लीडर हैं, उस सत्योग के लीडर हैं जो आने वाला है, आपका नाम इतिहास में जाए। अगर इस महत कार्य में अगर आप इतने महत्व नहीं है तो आप ना, आज पहली मर्तबा मैं कह रही हूं, जिसको पाना है जिसको उठना है वो इंडिविजुअली आए, किसी ग्रुप के तरह से नहीं आए, इंडिविजुअली व्यक्तिगत, और जब व्यक्तिगत इसमें डूबिएगा तो जैसे कि एक सागर हो जाता है आप हो जाए, नहीं तो सबकी गंदगी अपने साथ लेकर के चलोगे, इस पे किसी से बातचीत और वार्तालाप और चर्चा नहीं होती है सिवाय सहयोग के, कोई मैं बात नहीं करूंगा ये निश्चय कर ले। आप लोग काफी लोग हैं, किसी भी जन्म में इतने लोग मुझे नहीं मिले थे जितने आप लोग हैं, बहुत लोग इनके सहारे नहीं अपार हो सकते। तो मेरी आपको प्रार्थना है, विनती है कि कर मैंने वाकई में आपको प्रेम किया है और मैंने प्रेम दिया है तो उसको फल लगने के समय में आप मूर्खता नहीं करनी है, कोई भी किसी भी तरह मैच्योरिटी आनी चाहिए, कुछ बड़प्पन आना चाहिए, बच्चों जैसा काम बंद करें
और जो बच्चों जैसी बातचीत करते हैं चुप रहो, उनकी बात नहीं सुनेंगे। बुजुर्गों जैसी बात करें, बड़ों जैसी, मैच्योर हल हो गए हैं आप, शांत रहें, मौन रहें और आनंद उठाएं, सारे भेद तोड़ दें। आपके अंदर फौरन जीवंत रक्त बहना शुरू हो जाए, आनंद और सुख और शांति का